बाइक जो है फुल सेक्सी लग रही है। नेचर देख रहे हैं ज़्यादा लाजवाब है, और चिड़ियों की जो आवाज़ है ना, चू 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 चू, बड़ी प्यारी लग रही है। तो गुड इवनिंग हो चुके हैं और आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो फिर से एक बार पूछ लेते हैं आप लोगों से, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और मस्ती रहना। तो आज हम बैठे हैं तो कुछ लेके आए होंगे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, ऐसा लग रहा होगा, तो बट ऐसा कुछ नहीं। आज हम अपनी जो हमारे साथ बिजनेस के टाइम पे जितनी भी परेशानियां हुई थी और आज जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, बिजनेस का गुरु तो नहीं हूँ मैं, तो जितना मेरे साथ जो हुआ है वो आप लोग को बता देता हूँ। तो बिजनेस की शुरुआत जो है हमारी 18 में हुई थी, नवंबर या दिसंबर मंथ में। तब से लेके आज तक जो बिजनेस है वो चला रहे हैं, और बिजनेस जो है हमारी वाइफ चलाती है और हम तो टीचर हैं आप लोगों को जैसे पता है। तो बस जितना हम दोनों ने उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो परेशानियां झेली थी वो आज आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप लोगों के साथ भी हुई हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। अभी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले तो लाइक दबा दीजिए और आगे की जो कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो शॉप की शुरुआत है 2018 में हुई थी। 2018 में शॉप चालू करने के लिए हमारे पास जो पैसे थे मात्र 70 से 80 हज़ार रुपये थे, और 70 से 80 हज़ार में कोई क्लॉथिंग का बिजनेस करना चाहे तो ये तो मुमकिन है ही बिल्कुल भी। तो बस क्लॉथिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए पहले तो हमने घर से बिजनेस शुरू किया, घर में बहुत सारे कपड़े ऑनलाइन मंगा के सेलिंग करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे लगा कि जो सामान है वो बिक रहे हैं तो हमें क्यों ना शॉप खोलनी चाहिए। तो बस ऐसे ही दिमाग में आया और शॉप हमने खोजी। शॉप खोजने के बाद बस उसमें गए, पूरा सेटअप देखा शॉप को, पुताई उताई सारी चीज़ें करने के बाद उस दुकान में आई बारी फर्नीचर बनाने की। जब फर्नीचर बनाने की बारी आई तो फर्नीचर बनाने के लिए करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये तो चाहिए ही थे, तब जाके वो दुकान स्टेबल होती। आज दुकान की जो स्थिति है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा भाई के पास पैसा है, टेंशन नहीं है, बहुत चीज़ दिखा देता है एकदम, मतलब कुछ भी चीज़ मंगाना होता है। पहले सही चीज़ बोलूँ तो पहले हमने बहुत सारी परेशानियाँ देखी है। जब से बिजनेस थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है तब से हमारी लाइफ भी ठीक ठाक चल रही है, और जहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक चल ही रहा था कि ये लॉकडाउन आ गया और आज के डेट में मार्केट की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो गई है। क्योंकि यहाँ पे आज आदमी के पास जितने पुराने कपड़े हैं कोई पहन रहे हैं, सीधी सी बात है जी, बहुत लोगों के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब अगर सी बात है तो सारी चीज़ों को फेस तो कर रहे हैं, बट हम लोग इतने परेशान नहीं हैं, आप लोग इतने परेशान नहीं हैं, आप लोग भी मस्त घर में रह रहे हैं, मम्मी पापा खाना खिला रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, बट बात आती है उनकी, बस उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो इसलिए लॉकडाउन का दौर तो जो है धीरे धीरे चल के गुजर जा रहा है, बस ऐसे ही ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाए और 2020 चले जाए, 2021 आएगा तो कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पैसे मतलब पैसे थे हमारे पास लेकिन 80 हज़ार रुपये ही थे मात्र, उसमें कपड़े भी भरने थे, फर्नीचर भी बनाना था और भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी। उन 80 हज़ार रुपयों से तो कुछ हुआ नहीं, तब हमने जाके 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं से इधर उधर से जुगाड़ कर लिया। जुगाड़ करने के बाद रायपुर गए, कपड़े लेके आए, बिजनेस देखा, बिजनेस को समझने में टाइम लग गया, क्योंकि जो आदमी पहली बार नया नया कुछ चीज़ करता है तो उसको तो आइडिया रहता नहीं है, तो कपड़ों पे कैसे मार्केटिंग करते हैं, कपड़ों में क्या चीज़ें की जानी चाहिए, तो बस वो सारी चीज़ों को सीखने में टाइम लग गया। 6 महीने 7 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, उसके बाद जब आज सीख गए तो आज स्टेबल हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जो मेरी नौकरी थी उसमें भी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 11,000 रुपीज़ सैलरी थी, तो उस 11,000 में होता क्या आज की डेट में, कुछ भी नहीं होता। और हमारे जो शौक हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही हैं, आप जितनी इच्छाएँ पालेंगे उतना आपको काम करने का मन करेगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी, आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएँ होंगी तो इच्छाओं को दबाइए मत, मेहनत करिए तो फल ज़रूर मिलेगा। और इस नेचर में आज आप लोगों के सामने आया, मैं बात किया। आज की वीडियो में वैसे कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत था जो भी था बता दिया। मैं आज मॉर्निंग से मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रखा था तो मौसम का आनंद ले ही रहे थे हम, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दीजिए। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। 15 minutes later अभी आए थे घर से दूध लेने के लिए, तो हमें चलते हैं, दूध ले लिया है, घर चलते हैं, कितने चाय पीते हैं।
बाइक जो है फुल सेक्सी लग रही है। चलिए चलते हैं। आज ना मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया लग रहा है मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा। कल से फिर वही बढ़िया वाले ब्लॉग आएंगे, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ज़रूर। चलिए अभी मिलते हैं घर में। दूध लेके आ चुके हैं अब हम घर में, और तो चाय जो है बनाएंगे, चाय बना। अरे आज जो आपके भाई ने इतने सारी ज्ञान की बातें बताई ना आपको हमसे जुड़ी हुई, तो आप लोग को कैसी लगी वो बताइएगा। और भाई जी ने चाय बनाने के लिए गई हुई है, तो चाय आती है बैठते हैं, और आप लोग जब तक कमेंट कर दीजिए। चाय हमारी आ गई है, चाय पीते हैं, उसके बाद आज की जो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में कुछ खाने, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल वाली किसी बढ़िया वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।